Assalamualaikum दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है चाइनीज के न्यू डिस्ट्रॉयर पे। चाइना ने न्यू डिस्ट्रॉयर बनाया है, ये दुनिया का टॉप का डिस्ट्रॉयर माना जाता है, अमेरिका का सबसे जो अच्छा डिस्ट्रॉयर है ना, जो उसके मुकाबले में बनाया है। तो इसका जो वेट है वो 10,000 टन इसका वजन है, और ये 100 से ज़ायद जो मिज़ाइल हैं उन्हें कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और 100 मिज़ाइलों के साथ इसका जो मतलब लोड होने के बाद इसका जो वज़न है वो तकरीबन 13,000 टन के करीब हो जाता है। और इसमें और भी बहुत से मतलब है कि एंटी 6 यूनिट लगते हैं, जो कि एंटी मिज़ाइल सिस्टम है, मतलब है कि और उन 6 यूनिट में हर एक यूनिट के 6 मिज़ाइल होते हैं, जो कि मतलब है कि S-300 या S-400 जो लगेंगे, या आप चाइनीज़ जो है मिज़ाइल एंटी मिज़ाइल सिस्टम है वो लगेगा। तो ये जो इन्होंने किया है इसके अंदर तकरीबन S-300 जो है इन्होंने लगाया एंटी मिज़ाइल सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5005 लॉन्च किया है इन्होंने, 10,000 इसका जो है 10,000 वेट है। न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग ए सेरेमनी एट द जियांगनान शिपयार्ड इन शंघाई। शंघाई जो इनका शिपयार्ड है उसने वहाँ पे लॉन्च किया है, न्यू डिस्ट्रॉयर है 5005। तो ये PAL नेवी की सबसे जो है ना बेहतरीन जो वॉरशिप है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो 10,000 टन इसका लोड है खाली का, फुल लोड 13,000 टन है, लेंथ 174.1 मीटर है, वाटर लाइन इसमें 164 मीटर है, बीम 20 मीटर है, ट्रॉफ 6.6 मीटर है, और जो इसके अंदर नेविगेशन ड्राफ्ट है वो 9.1 मीटर है, 4 इंजन है, गैस टरबाइन है, टोटल पावर जनरेटिंग 1,12,000 किलोवाट है, इसकी जो स्पीड है वो 30 काटन है, रेंज 10,000 किलोमीटर है, 4 से 5 किस्म के सेंसर यूज हो रहे हैं, जिनमें पहले नंबर पे एस बैंड फिक्स्ड 4 पैनल AESA मल्टी रोल रडार है, दूसरे नंबर पे एक्स बैंड वी पैनल है AESA रडार, चौथे नंबर पे बूम माउंटेड हाई मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए है, पांचवे नंबर पे VASA रडार है। अब इसके अंदर जो बाकी जो असला वगैरह या जो चीज़ें इंस्टॉल हैं उनमें एक 30 mm की ड्यूअल पर्पस गन है, फिर उसके बाद एक 11 बैरल 30 mm की गन है, फिर एक 24 HQ-10 SRSAW लॉन्चर है, ठीक है, जिसके अंदर 24 मिसाइल आ सकते हैं, फिर 4 लॉन्चर 18 ट्यूब वाले हैं ASW लॉन्चर हैं, फिर 16 लॉन्चर जो हैं वो 8 सेल CCL-VLS मॉड्यूल्स वाले हैं, फिर इसके अंदर जो एंटी एयरक्राफ्ट हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल होंगे वो HQ-9 होंगे, और एंटी शिप जो है YJ-18 है, लैंड मिसाइल जो है लैंड अटैक मिसाइल उनमें CJ-18 है, ASW जो मिसाइल है उसमें CJ-5 है, इसके अंदर जो दो हैं वो दो एयरक्राफ्ट जो हैं मतलब दो हेलीकॉप्टर जो हैं इसके इस पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, जो एंटी सबमरीन मिसाइल्स कैरी करते हैं, और इसके अंदर दो मीडियम जो है ना वाटर जो मतलब है कि कंट्रोल जो होते हैं जहाज होते हैं छोटे मिनी, वो भी ये साथ कैरी कर सकता है। ये आप इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, और दुनिया की बेहतरीन डिस्ट्रॉयर बनी है। अमेरिका के पास जो टॉप की डिस्ट्रॉयर है उसका हम पल्ला करार दिए जा रहे हैं महरीन की तरफ से, ये इज द बिगेस्ट चाइनीज नेवी की सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है, सबसे ख़तरनाक किस्म की डिस्ट्रॉयर है ये। इंडियन मीडिया रो रहा है
रो रहा है कि ये इसने इन चाइनीज ने क्या चीज इजाद कर दिया, चाइनीज टेक्नोलॉजी में इतने आगे पहुंच गए हैं। इंडियन मीडिया की आप सुने वो रो रहे हैं कि चाइनीज ने दुनिया का बेहतरीन डिस्ट्रॉयर जो है ना वो बनाया है, हमारे पास इस तरह का कोई एक डिस्ट्रॉयर भी मौजूद नहीं है, ये एक डिस्ट्रॉयर ही हमारी नेवी को बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक के कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक एटम बम लॉन्च करने का भी जो है ना लॉन्चर मौजूद है, जो कि स्पेसिफिकेशन में नहीं बताया जा रहा। एक्सपेरिमेंट की जो पिक्चर्स आई हैं उनमें है मौजूद है, तो ये एक पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो चाइनीज़ ने नहीं बताया कि इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन है, मतलब ऐसा कोई लॉन्चर है एटमी मिज़ाइल का, लेकिन ये टाइप 005 की ही पिक्चर है जिसमें ये एक लॉन्चर जो है, एक मिज़ाइल जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अब आप जो है वो इसकी लॉन्चिंग की वीडियो जो है वो इंजॉय